अगर मैं आपको बताऊं कि चार ऐसे गोल्डन स्किल्स हैं, स्किल्स क्या मैजिक पावर्स हैं जिससे आप एक विंस्प्रिनर बन सकते हैं, दैट मींस एंटरप्रेन्योर जिसे जीतना आता है, अगर मैं आपको बताऊं कि ये चार सीख लिए, चार समझ लिए, तो आप में ऐसी शक्ति आ जाएगी कि यू विल नेवर लुक बैक, फेलियर विल नेवर कम इवन क्लोज टू यू, बिकॉज सक्सेस को आप इम्प्रेस कर देंगे। सीखना चाहेंगे? आइए। मैं बड़ा विंस्प्रिनर बनता हूँ, यू नो आई कॉल माई सेल्फ अ विंस्प्रिनर, बट आपको मैं बड़ी बारी बता चुका हूँ कि मैं लाइफ में दो बारी एब्सोल्युटली जीरो हो चुका हूँ। I've lost everything I had due to bad decisions, bad choices that I made twice. Everything I've lost twice. Do bari mein life mein zero ho chuka. It's nothing I'm, you know, afraid of discussing or sharing because maine kuch seekha. Jab main zero hua, maine kuch seekha. और यही चार सुपर पावर्स थी जो मैंने सीख ली और अपने सिस्टम में डाल दी। आज मैं आपको ये चार सुपर पावर्स देने लगा हूँ जिससे कि मैं हारना भूल गया, मुझे विंस समझ आ गई, मैं एक विंस्प्रिनर बनने लग गया। आइए सीखिए क्या है ये चार स्किल्स। स्किल नंबर वन, स्किल क्या, सुपर पावर नंबर वन, ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म बड़ा सिंपल सा और बड़ा पावरफुल वर्ड है, बिकॉज ऑप्टिमिज्म में छुपी हुई है होप, एक बिलीफ। ये पूरा हमारा एक बिलीफ सिस्टम है जिससे हम सारे खड़े हो सकते हैं, जिससे हमें पावर आती है। क्यों आती है पावर? बिकॉज ये होप जो होती है ये हमें ड्राइव करती है। जब हम होप छोड़ देते हैं सब कुछ गंदा, काला, डार्क दिखने लग जाता है। जब हमें होप खत्म हो जाती है सब कुछ बुरा लगने लग जाता है, हमारे को ना दुख होने लग जाता है, हम अपना रिग्रेट बीच में ले आते हैं, हमें सैडनेस आ जाती है, डिप्रेशन आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है। जब ये होप आ जाती है, ये रिकिंडल हो जाती है ऑप्टिमिज्म से, तब हमारी शक्ति बढ़ने लग जाती है। सो लाइफ में कुछ भी हो जाए, होप नहीं छोड़नी, ऑप्टिमिज्म नहीं छोड़ना, सब कुछ पॉसिबल है इसमें बिलीव करना है, इसको मान लेना है कि मैंने नेगेटिव नहीं होना, मैंने ऑप्टिमिस्टिक रहना है, बिकॉज ऑप्टिमिज्म में सुपर पावर है। सुपर पावर नंबर टू, डिसिप्लिन। अब यंगस्टर्स कहेंगे ये क्या होता है, ये तो कभी सुना ही नहीं, स्कूल में ही सुना था। ऐसा नहीं है, डिसिप्लिन हमारी एक सिस्टम का एक इंटेग्रल पार्ट होना चाहिए। डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं। मैंने बोला था ना, मैं जीरो हुआ था, किस चीज ने बचाया? ऑप्टिमिज्म ने स्टार्ट किया, डिसिप्लिन ने बचाया। वो चीजें करना एक डिसिप्लिन तरीके से करना तो आपको खुद ही पड़ेगा, और वो डिसिप्लिन लाइफ में लाना बहुत जरूरी है। हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन, हमारा लेजीपन, हमारा ये आगे कर लूंगा, कभी कर लूंगा, हो जाएगा, सुबह नहीं उठना, टाइम नहीं देना अपने काम को, दूसरे को ब्लेम करते रहना, ये सब का इलाज एक ही होता है, डिसिप्लिन होना। जब कुछ सोच लिया आपने करना है तो उसको एक डिसिप्लिन तरीके से, प्लान से उसके पीछे पड़ जाओ। कुछ भी बुरा नहीं होता, यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, दैट मींस गुड से पहले बैड आता है। बैड अगर आता ही है पहले तो स्टार्ट तो करो ना। सो डिसिप्लिन तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाओ, उसको स्ट्रक्चर करो, उसमें कोई जान डालो बाय प्लानिंग, डिसिप्लिन लाओ प्लान करके। सुपर पावर नंबर तीन, कंसिस्टेंसी। क्या प्यारा वर्ड, क्यों प्यारा है? क्योंकि हम सारे ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, कभी डिसिप्लिन भी हो सकते हैं, बट हम बहुत थोड़े वक्त तक होते हैं। वो कहते हैं किसी भी हैबिट को हैबिट बनने के लिए 21 दिन लगते हैं, बट हम 21 दिन भी हम कभी भी कोई चीज़ कंसिस्टेंटली कर ही नहीं पाते, बिकॉज हमारा ये लेजी दिमाग, लेजी हमारा जो एफर्ट है, ये कहीं ना कहीं हमें डामाडोल कर देता है, हमें थोड़ा सा घुमा देता है। What happens is our, you know, something that sits on our shoulder keeps telling us बाद में कर लूंगा, you know, ओहो इतना तो मैंने कर लिया, इसका कोई रिजल्ट तो आया नहीं, तो यू गिव अप। बट कंसिस्टेंट इंसान जो है, जो लगा रहता है, तो उसको रिजल्ट्स मिलते हैं। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया तो मेरे को ये नहीं पता था 15 लोग भी कहाँ से लाऊंगा, आज हम लोग ऑलमोस्ट 400 हो गए। यू नो इतना मज़ा आता है ये देख के
कि अननोन्स भी जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, व्यूज में तो हम बहुत आगे निकल गए। और ये छोटा सा स्टार्ट है। अब मैंने नहीं कहा मैं बेस्ट बना था, मैंने नहीं कहा मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैंने सिर्फ कहा मैं अपना बेस्ट दूंगा आपको वैल्यू देने के लिए। और ये जो कंसिस्टेंसी है, इसके आपको अपने आप रिजल्ट्स दिखेंगे। एंड यही कंसिस्टेंसी हमें अपने सिस्टम में लानी है, अपने काम में लानी है। मैं लगा रहता हूँ डिसिप्लिन तरीके से, बट कंसिस्टेंट भी रहता हूँ। ये है सुपर पावर नंबर 2। अब सुपर पावर नंबर 4 सबसे स्ट्रॉन्ग है, बड़ी सिंपल है, जस्ट शो अप। अब आप कहोगे क्या ये क्या? यस, जस्ट शो अप। आपको राइट प्लेस पे राइट टाइम पे आने की शक्ति का भी पता है। सब लोग कहते हैं वो लकी था, ये लकी था, उसको किस्मत उसकी छा गई ना। दैट पर्सन वॉज देयर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। वो ठीक जगह पे ठीक टाइम पर था बिकॉज उसके पास वो एबिलिटी थी जो सुपर पावर है शोइंग अप। आप बाहर निकलेंगे, आप कोशिश करेंगे, आप एफर्ट करेंगे, आप शो अप करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे। अब ये सुपर पावर को समझ गए तो यू विल स्टार्ट मेकिंग एन एफर्ट। आप गलत से नहीं डरेंगे या बुरे से नहीं डरेंगे, आप एटलीस्ट कोशिश करेंगे। एंड ये कोशिश में शोइंग अप, बीइंग देयर, बीइंग प्रेजेंट इज अ सुपर पावर। अब ये चारों को जोड़ो, ऑप्टिमिज्म, डिसिप्लिन तरह से कंसिस्टेंट रहना है और शोइंग अप। इस सब को सारे को अगर मुट्ठी बनाना है तो अपने अंदर भूख रखो, हंगरी होना मतलब है मेरे को कुछ चाहने की वो इच्छा है, मेरे में एक ना पैशन है कि मेरे को कुछ करके दिखाना है। इस मुट्ठी को अगर सॉलिड करना है, ऑप्टिमिज्म, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और जस्ट शोइंग अप की मुट्ठी को, तो इसमें भूख डाल दो, भूख डाल दो और भूख से देखो ये मुक्का भर जाएगा, बन जाएगा और ठा लगाएंगे एक मुक्का दूसरों को। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, डू वेल। और कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, कोई भी आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो मेरे चैनल पे आइए, चैनल पे क्या, वेबसाइट पे आइए vincebrunner.com, और आपको फ्री स्ट्रैटेजी कॉल, फ्री मैंने बोला, आपके लिए मैं खुद दूंगा। बेस्ट ऑफ लक, डू वेल इन लाइफ एंड मिलते रहेंगे।